नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हाल ही में करंट इवेंट हुआ है, वज्र प्रहार नाम की एक एक्सरसाइज जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो हिमाचल प्रदेश के बगलोह में जो है वो हुई है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि हमारी जो ये जो वज्र प्रहार नाम की जो एक्सरसाइज है ये किन देशों के बीच हुई है, कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है, और ये जो बगलोह जगह है इसके बारे में भी हम कुछ जो है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका जो आंसर है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो उससे पहले आप जो है वो इसका आंसर जो है वो ट्राई करें नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका जो एक हिमाचल प्रदेश की बहुत ही ज्यादा फेमस एक जो स्कीम है, शगुन स्कीम, जो हाल ही में अनाउंस हुई है। तो उससे रिलेटेड जो है ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जो है इनको पढ़ के एक बार आपने आंसर देना है कि इस स्कीम से के रिगार्डिंग जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इसका आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ये जो हमारी वज्र प्रहार 2021 है, तो ये जो है वो आपकी परफॉर्म की गई है, ये जो आपकी कंडक्ट हुई है दो देशों के बीच, आपकी यूएसए और इंडिया की, जो आपकी स्पेशल फोर्सेस है उनके बीच जो है ये आपकी परफॉर्म की गई है। अगर बात करें स्पेशल फोर्सेस की, तो अगर आपको स्पेशल फोर्सेस पता होगा, जैसा कि आपने सुना होगा, आप सभी ने मार्कोस ये आपने सुना होगा, मार्कोस जो है आपके पास, जो आपके पास मरीन कमांडोज होते हैं उनको जो है मार्कोस कहते हैं, और फेमस आपने जो आपके पैरा कमांडोज हैं ये भी आपके जो है आपके स्पेशल फोर्सेस में आते हैं। फिर आपने सुना होगा एक फोर्स होती है घातक, जिसको हम क्या कहते हैं, घातक फोर्स, घातक फोर्स, ये भी जो है वो आपकी स्पेशल फोर्सेस में आती है। फिर आपने कोबरा कमांडोज सुने होंगे, जो आपके कोबरा कमांडोज होते हैं जिनको हम कहते हैं कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये जो आपका कोबरा कमांडोज होते हैं। फिर आपने सुना होगा फोर्स वन, अगर इस फोर्स वन की अगर मैं आपको बताऊं, तो ये फोर्स वन आपको अगर याद होगा, जो एक इनफेमस जो आपका टेररिस्ट अटैक 26/11 का, जो मुंबई मुंबई में जो हमला हुआ था, तो टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसके बाद जो है ये फोर्स वन जो है ये बनाई गई थी। फिर आपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आपने सुना होगा, और इसमें सबसे फेमस जो है आपने एनएसजी कमांडोज, एनएसजी आपके जो एनएसजी कमांडोज होते हैं वो वेरी फेमस, वो आपने सुना होगा, जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ये सब जो है आपके आते हैं स्पेशल फोर्सेस में आते हैं। तो ये कंडक्ट की गई है आपकी, जो आपकी यूएसए और इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस है उनके बीच जो है ये आपकी कंडक्ट की गई है, और ये हुई है आपकी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो हुई है। अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये अकेली जो आपकी एक्सरसाइज है वो अभी तक जो है अकेली यही एक्सरसाइज जो है अभी हुई है। हाल ही में अगर आपने इससे पहले देखा होगा, तो जो इंडिया और यूएसए की नेवी है उन्होंने एक पैसेज एक्सरसाइज भी जो है वो कंडक्ट करी थी, जो आपके इंडियन ओशन रीजन है वहां पर। अगर बात करूं एडिशन की, तो इस बार जो ये आपका एडिशन था ये था आपका 11th एडिशन, 11th एडिशन जो है वो इस बार जो है वो आपका बकलोह में जो है वो हुआ है। इससे पहले जो इसका 10th एडिशन जो है वो आपका 2019 में जो है वो आपका, जो आपका सीटल है, सीटल नाम की जगह है यूएसए में, वहां पर जो है इसका 10th एडिशन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार जो आपका बकलोह में जो हुआ है ये है आपका 11th एडिशन जो है वो आपका हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो जो कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच जो है वो होती है, तो ये आप देखेंगे जो आर्मी जो इंडियन आर्मी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज करती है वो है आपकी युद्ध अभ्यास, जो हमने अभी देखी। फिर एक आपकी जो एयरफोर्स, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स है उनके बीच जो है वो आपकी कोप इंडिया जो है वो होती है, और रेड फ्लैग, ये जो है एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है रेड फ्लैग। अगर बात करें मालाबार एक्सरसाइज, ये मालाबार एक्सरसाइज जो है ये एक्चुअली ट्राईलेटरल है, इसमें तीन देश जो है आपके, जिसमें कि आपका इंडिया, यूएसए और जापान, तीन देश इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ट्राइलेटरल जो है ये नेवल एक्सरसाइज है। किस तरह की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। आगे अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि बकलोह में ये पहली बार कोई एक्सरसाइज होने जा रही है। अगर आपने 2019-20 का करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होगा, तो 2019 में
2019 में जो है वो एक एक्सरसाइज जो है वो आपकी, जो इंडिया और मंगोलिया के बीच जो है वो आपकी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट। तो ये जो नोमैडिक एलिफेंट है ये भी आपकी बकलोह में हुई थी, जो कि आपकी हुई 2019 में। आगे अगर हम बात करें बकलोह की, तो जैसा कि आपको ये तो पता ही लग चुका है कि जो आपकी बकलोह है वो आपका चंबा में है, चंबा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की। और अगर हम आगे बात करें तो इसकी हिस्ट्री जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आपने पंजाब हिल्स जो आपकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी 1966 में जो है आपकी वो पंजाब की जो हिल स्टेट्स है उसकी जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, पंजाब हिल रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो उसमें जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसमें जो है वो आपकी डलहौजी और बकलोह जो कि पहले हिस्सा हुआ करती थी आपकी पंजाब की, गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बार जो है एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो आपका बकलोह है, क्योंकि ये जो है आपका जो आपकी ये एक्सरसाइजेज है इनकी वजह से जो है ये काफी न्यूज में रहता है, तो इसके लिए जो है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये आपकी निकल के आई थी डलहौजी और बकलोह। ये जो डलहौजी और बकलोह है ये पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी पंजाब की उसका जो है ये हिस्सा हुआ करती थी, बाद में ये हिमाचल में शामिल हो गया था पंजाब रिओर्गेनाइजेशन के बाद। अब हमारा जो हमने जो पीछे क्वेश्चन पूछा था तो उसमें जो आपके पास दो ऑप्शन थे तो वो जो आपके दोनों ही ऑप्शन थे वो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही थे। अब अगर बात करें तो ये आपकी जो स्टेटमेंट्स थी तो अब एक बार इनको देखते हैं। ये स्टेटमेंट्स कहते ये जो है आपकी एक स्कीम जो है शगुन स्कीम, ये जो है शगुन स्कीम जो है इसके बारे में जो है वो दो आपके पास जो स्टेटमेंट्स थी तो जानते हैं ये दो स्टेटमेंट्स क्या थी। पहली बात है कि ये जो आपकी स्कीम है शगुन स्कीम है ये आपकी गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है स्पेशली जो आपके एससी एसटी एंड ओबीसी ऑफ बीपीएल फैमिलीज की जो आपकी लड़कियां हैं उनकी मैरिज पर जो है वो आपकी जो सरकार है वो आपका 31,000 रुपए जो है वो ग्रांट देगी। और अगर बात करें एक्सपेंडिचर जो है वो तकरीबन 50 करोड़ का जो है वो प्रपोज किया गया है आपका 2021 और 22 के लिए इस स्कीम के हिसाब से। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है अगर आपने बजट जो है वो पढ़ा होगा तो उसमें जो है ये बहुत ज्यादा डिस्कस हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।